नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। कोरोना महामारी के बीच जहां लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं आम जनता की मदद के लिए अब समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। ऐसे एक समाज सेवी और युवा बीजेपी नेता प्रिंस राठौर हैं, जिन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। प्रिंस राठौर ने सीहोर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के सिटी स्कैन का जिम्मा उठाया है। इसके लिए उन्होंने सिटी स्कैन संचालक को एडवांस राशि का भुगतान भी किया। समाज सेवी प्रिंस राठौर का कहना है कि लंग्स में कोरोना संक्रमण का पता करने के लिए सिटी स्कैन कराया जाता है, लेकिन सिटी स्कैन का खर्च ज्यादा होने की वजह से गरीब लोग इसे नहीं करा पाते, और इसी के चलते प्रिंस राठौर ने कोरोना मरीजों के सिटी स्कैन का खर्च उठाने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी से जो पूरा देश आज हमारा जूझ रहा है, इसको लेकर आज हमारे एक संस्था और सेवा समिति की तरफ से हमने ये निर्णय लिया है कि सीहोर नगरी क्षेत्र में जो सिटी स्कैन की जो समस्या है, जो लोगों को सिटी स्कैन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसका बहुत ज़्यादा कीमत पे वो होता है, तो उसको हमने गरीब व्यक्तियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क आज कर दिया है। जो भी व्यक्ति, हमने दो हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए हैं, जो भी व्यक्ति जिसको सिटी स्कैन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो उस नंबर पर फ़ोन करें, हमारा वॉलंटियर आएगा और एक रसीद उनको देगा, वो रसीद यहाँ अस्पताल में जब दिखाएंगे तो सिटी स्कैन उनका मुफ्त होगा, उन्हें उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर सर लगभग 100 मरीज के समथिंग आए हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने उनका सिटी स्कैन बिल्कुल निःशुल्क किया है। उसका जो भी पेमेंट है प्रिंस राठौर जी द्वारा दिया जाता है। बाकी गरीबों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जो भी गरीब हमारे पास आता है, भैया सिटी स्कैन कैसे होगा, तो हम लोग उनको बता देते हैं कि आप भाई साहब के पास चले जाइए, वहाँ से एक पर्ची बना के देंगे और हम आपका जो है सिटी स्कैन फ्री कर देंगे। तो उनके द्वारा ये बहुत ही अच्छी एक पहल है कि जो गरीबों को फायदा मिल रहा है उससे, ये गरीबों को मुफ्त में करवा रहे हैं। तो कैसा क्या लग रहा है आपको और कैसी प्रतिक्रिया है लोगों की? लोगों की ये बिल्कुल सही है कि इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जो लोग गरीब लोग थे और जो ये नहीं कर सीटी स्कैन करवाने में असमर्थ थे, और वो इनकी वजह से और उनका सीटी स्कैन हो पा रहा है और उसमें इलाज में मदद मिली है। तो कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हर युवा आगे आ रहे हैं और समाज सेवी मदद कर रहे हैं, और ऐसे ही एक युवा हैं प्रिंस राठौर, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसे उनके मन में ये ख्याल आया कि सिटी स्कैन का खर्चा उन्हें उठाना चाहिए और गरीबों की, ज़रूरतमंदों की उन्हें मदद करनी चाहिए। बातचीत करेंगे, प्रिंस राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रिंस राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। प्रिंस, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी प्रिंस जी कि कैसे आपके मन में ये ख्याल आया, क्योंकि आपने सही कहा, इस वक्त हम देख रहे हैं सिटी स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी है कोविड पेशेंट के लिए। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको सिटी स्कैन और जरूरतमंदों का पूरा खर्च उठाना चाहिए? मैडम, हम पूरा देश, हमारा पूरी दुनिया कोविड की महामारी के चपेट में है, और पूरे देश में हमारे कोविड के पेशेंट और जो कोविड की बीमारी है वो महामारी का एक विकराल रूप वो ले चुकी है। इसी में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, वह भी निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग इस महामारी की चपेट में आए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इसी के चलते हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने मुझे ये सलाह दी कि कैसे भी कुछ भी ऐसी कोशिश की जाए जिससे गरीबों को इस कोविड महामारी में उनको राहत मिले। तो मैंने देखा, और कई हमारे साथ, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं इस समिति में, हमने सब ने एक चीज ये देखी कि जिसको कोविड हो जाता है, अगर वो गरीब आदमी है तो उसको सरकार के द्वारा कोरोना किट फ्री मिलती है, उनको मतलब निशुल्क कोरोना किट मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा जो इसमें आता है वो आता है सिटी स्कैन का, वो 3,000 रुपये, 3,500 रुपये के समथिंग सिटी स्कैन होता है का चार्ज लगता है, और उस चार्ज का गरीब आदमी वहन नहीं कर पाता है। तो हमारी समिति ने ये तय किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विश्वास सारंग जी की प्रेरणा से हमारी पूरी समिति ने यह तय किया कि हम कोशिश ये करें कि सिटी स्कैन का पूरा खर्चा हमारी समिति गरीब व्यक्तियों का उठाए, ताकि उनको इलाज में आसानी हो, उनके इलाज जल्दी से हो सके और उनको फायदा मिले। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात करी प्रिंस राठौर जी। जिस तरह से सिटी स्कैन का खर्चा है, हर कोई, हर वर्ग या ज़रूरतमंद गरीब नहीं उठा पाते, और ये जो आपने कदम उठाया बेहद सराहनीय है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं, और आप जिस समिति का जिक्र कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो क्या अलग अलग अपने अपने स्तर पर मदद करते हैं? हमारे समिति में मैडम मुख्यतः हम 5-7 लोगों की एक समिति है जी, जिसमें हमारे हेमंत सिंह बेस बड़े भैया हैं, हमारे सुदीप व्यास जी हैं, आयुष सोनी जी हैं, हमारे उत्कर्ष अग्रवाल जी हैं,
हमारे दीपांशु राठौर नट्टू हैं, हमारे कट्टू भैया हैं, हम महेंद्र सिंह बेस जी हैं, हम सब लोग मिलकर एक पर्ची पेशेंट को देते हैं जिसका हमारे पास, हमने एक नंबर वायरल किया है, उस नंबर पे जो भी शहर का व्यक्ति, सीहोर शहर का व्यक्ति, क्योंकि हम पूरे शहर को अपना परिवार समझते हैं और हमारे शहर का व्यक्ति जब हमें फ़ोन करता है तो हम उसका आधार कार्ड लेते हैं और एक रसीद उसकी बनाते हैं और अस्पताल में ही हमारे वॉलंटियर जाते हैं और जाकर वो रसीद उनको देते हैं, जिससे वो रसीद दिखाते हैं तो सिटी स्कैन मशीन पे जो भी व्यक्ति बैठता है उसको वो रसीद देते हैं तो उनकी निःशुल्क सिटी स्कैन हो जाती है। प्रिंस जी, आप बता पाएंगे कि अभी तक कितने लोगों का सिटी स्कैन आपकी समिति की तरफ से करवा दिया गया है और जब आप उनकी इतनी मदद करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आपको मिलती है, किस तरह के हाव भाव? जी मैडम, हमने 22 तारीख को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी सीहोर आए थे और उन्होंने एक बैठक ली थी। उस बैठक के बाद 23 तारीख से 24 तारीख से हमने ये व्यवस्था शुरू की है सीहोर शहर के 3500 वार्डों के गरीब व्यक्तियों के लिए और तकरीबन अभी तक सीहोर शहर के हम 200 व्यक्तियों की सिटी स्कैन निःशुल्क करा पाए हैं और अभी भी निरंतर हमारी ये व्यवस्थाएं सीहोर शहर के व्यक्तियों के लिए चल रही हैं और जो भी हमारे पास आता है हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि उसकी सिटी स्कैन की व्यवस्था फ्री की जाए ताकि उसको इलाज में आसानी रहे। तो तकरीबन 200 लोगों की हम मैडम ये व्यवस्थाएं कर चुके हैं अभी। जी प्रिंस जी, हम इस समय में देख रहे हैं जब भी ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है तो उनके मन से उस शख्स के लिए हमेशा दुआएं निकलती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप अभी तक 200 लोगों की मदद कर चुके हैं, क्या अनुभव आपका रहा जब आप मदद करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आपको मिलती है, कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहते हैं बंसल न्यूज़ के साथ? मैडम, जब भी जिसकी भी मदद की जाती है, जिन 200 व्यक्तियों की हमने मदद की लगभग, उन सबके फ़ोन बाद में आते हैं और बहुत बहुत वो दुआएं देते हैं और बहुत दिल से धन्यवाद वो देते हैं और मैं उनसे कहता भी हूँ कि ये प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की है, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की है, आप उनको भी धन्यवाद दीजिए तो वो उनको भी धन्यवाद देते हैं। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, हमारे रवि मालवी जी, हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक श्री सुदेश राय जी, इन सब के मार्फत ये हमने एक छोटी सी पहल की है जो बहुत अच्छा शहर के लोगों का रिस्पॉन्स है और बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि वो किस शब्दों में मुझे धन्यवाद देते हैं, पूरी समिति को हमें दुआएं देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मेरे किस शहर के लोगों के काम आ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है और मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसे मौके पर मैं लोगों के काम आया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है प्रिंस जी कि अगर आप सक्षम हैं, हम सक्षम हैं और ऐसे समय में ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं तो शायद इससे अच्छा नेक काम, इससे अच्छी नेक पहल शायद कोई हो नहीं सकती और वही काम आप कर रहे हैं। प्रिंस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी चेतावनी दी गई है, दूसरी लहर इस वक्त कोरोना की चल रही है, आने वाले समय में तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है, उससे निपटने की सरकार पूरी तैयारियाँ कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से ये जो मदद है क्या इसी तरह आगे भी जारी रहेगी? जब तक मैडम सक्षम हूँ मैं, जब तक मेरे पूरी समिति मेरे साथ है और जब तक ऊपर वाला चाहेगा ये व्यवस्था सुचारू रूप से शहर में चालू रहेगी जी। और मैं सभी लोगों से आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे चैनल का आपके धन्यवाद देता हूँ और मेरी तरफ से जब तक मेरी शक्ति है, जब तक मैं सक्षम हूँ, मैं इसी तरह शहर के प्रत्येक लोग व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हूँ और अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ मैं मदद लोगों की करूँगा। बिल्कुल प्रिंस जी, सिटी स्कैन का खर्च आप उठा रहे हैं लेकिन इसके अतिरिक्त और भी ज़रूरत लोगों की होती है, तो क्या आगे आप ये विचार कर रहे हैं, आपकी समिति इस पर विचार कर रही है कि आगे और आप कोई फैसला लें, कोई कदम उठाएं लोगों की मदद करने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सिटी स्कैन का मामला कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे चैनल पर मुझे बुलाया, लेकिन कई ऐसी मददें भी हमारी समिति लोगों की कर रही है जिसमें हम बिल्कुल किसी भी तरीके से उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, चुपचाप से हमसे जितनी शक्ति हमारी, जितनी क्षमता है, जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमारी समिति का प्रत्येक व्यक्ति पूरे तन्मयता से उसकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है और मदद करता है। हमने कई तरह के लोगों की मदद की है लेकिन वो बताना ज्यादा अनुचित रहेगा, जो भी मदद हमसे बनती है हम वो करते हैं। और सभी को एक अपील भी मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं वो अभी किसी के ऊपर आश्रित हमें नहीं रहना है, हमें खुद आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहिए। ये कोरोना का महामारी का ये जो दौर है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही इससे पार पा पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करें ताकि लोगों को कोरोना की महामारी से वो बच सके और हमारा देश प्रदेश वापस समृद्ध हो सके।
बिल्कुल प्रिंस राठौर जी, बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छी अपील के जो लोग सक्षम हैं वो कम से कम इस महामारी के दौर में ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम कोई नेक काम करते हैं, किसी तरह का काम करते हैं, तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या किया है। ये अभी आपने जिक्र किया है, लेकिन ये मैं इसलिए बार बार आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी समिति सिटी स्कैन का खर्च उठाने के अलावा दूसरे काम क्या करती है ताकि जो जरूरतमंद है वो आपसे संपर्क कर पाए, जिन्हें जरूरत है वो आपसे जुड़ पाए ताकि समय पर उनको लाभ मिल पाए। शहर के पूरे 35 वार्डों में सीहोर शहर के व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, अभी चूंकि सभी के काम धंधे व्यापार बंद है, जिस जो भी व्यक्ति को किसी भी तरह की अगर आवश्यकता पड़ती है उसके घर खर्च के लिए या घर चलाने के लिए या किसी भी आवश्यक रूप की, उसको किसी भी आवश्यक सामग्री की अगर जरूरत पड़ती है तो निसंकोच हमसे संपर्क करें। हम यथासंभव जो भी हमारे लायक होगा वो हम पूरी मदद शहर की जनता की करेंगे, क्योंकि पूरा शहर ही मेरा परिवार है। मैं पूरे शहर को अपना परिवार मानता हूँ और शहर का प्रत्येक व्यक्ति मेरा परिवार के सदस्य जैसा है। तो जितनी भी मदद मुझसे बनेगी मैं करूंगा। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, सीहोर शहर के सभी लोग मुझसे संपर्क करें। अगर कोई भी मेरे लायक आपको काम लगता है तो आप मेरे पास आए, मैं निसंकोच आपकी मदद करूंगा। आपके भाई के पास, छोटे भाई के पास, बड़े भाई को समझकर ही मेरे पास आए। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक समाज सेवी हूँ और एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो शहर में रहता है। और जितनी मेरे से मदद बनती है मैं उतनी मदद आप लोगों की करूंगा। मैं यही आश्वासन आपके चैनल से देना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रिंस राठौर जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि समिति में कुछ लोग हैं जिनके नामों का आपने जिक्र किया है जो आपके साथ काम करते हैं, क्या सीहोर के जो युवा हैं, क्योंकि आप भी युवा नेता हैं, सीहोर के युवा अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस नेक काम में आपकी मदद करना चाहते हैं, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और क्या आप अपनी समिति में सदस्यों को बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी मदद पहुंच पाए? इसलिए जो भी निस्वार्थ भाव से मैडम मदद करना, शहर के लोगों की मदद करना चाहता है वो आकर हमारी समिति से जुड़ सकता है। ये मैंने मोटे मोटे तौर पर कुछ सिलेक्टेड नाम आपको बताए। लगभग 35 वार्ड सीहोर में है और प्रत्येक वार्ड में 10 से 15 वॉलंटियर हमारे आज भी शहर में काम कर रहे हैं। वो हमें फोन के माध्यम से हमारे पास आकर हमें बता देते हैं कि किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, तो हम उसकी आवश्यकता पूर्ण कर देते हैं। पूरे शहर में हमारे वॉलंटियर्स हैं, और भी अगर कोई लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही जिसका संकल्प, जिसने मन में ये संकल्प लिया है, वो हमारी समिति से आकर जुड़े और शहर के हम लोगों की मदद करें ज्यादा से ज्यादा। बस यही मेरी अपील है। बिल्कुल प्रिंस राठौर जी, हालांकि समिति में कैसे जुड़े सदस्य या कोई युवा वो आपने बता दिया, लेकिन अगर ज़रूरतमंदों को आपसे संपर्क करना है तो मैं चाहूँगी सर बंसल न्यूज़ के जरिए आप एक बार फिर से अपील कर दें कि किसी को यदि ज़रूरत है, सीहोर में रहने वाले निवासियों को कोई परेशान हो रहा है तो वो कैसे आपके सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं? मेरे सभी शहरवासियों को मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, पुनः वापस धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे शहर के सभी व्यक्तियों से ये अपील करता हूँ बंसल न्यूज़ के माध्यम से कि इस कोरोना महामारी में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो आप निसंकोच, मेरा कार्यालय बस स्टैंड पर है, मेरे कार्यालय पर, मेरे घर पर आ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर लगभग सभी शहर के सभी लोगों के पास उपलब्ध है। आप मुझसे आकर संपर्क करें, मेरी समिति के लोगों से संपर्क करें, मैं आपकी मेरे क्षमतानुसार आपकी पूरी मदद मैं करूँगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और इस कोरोना महामारी में हम सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय बड़े भैया विश्वास सारंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महामारी के दौर में जो पूरे शहर की और प्रदेश की जनता का ध्यान रखा है, मैं उनको भी बहुत बहुत आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और शहर की सभी जनता से अपील करता हूं कि जो भी काम अगर आपको मेरे लायक हो आप मुझे फ़ोन करें, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी मेरे जितनी भी मेरी शक्ति क्षमता है आपके लिए पूर्ण रूप से मैं उपलब्ध रहूँगा। 24 घंटे मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल ना डरें। हम साथ मिलकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर इस कोरोना महामारी का से हम विजय पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और वापस सीहोर हमारा समृद्ध सीहोर होगा, हमारा मध्य प्रदेश वापस समृद्ध मध्य प्रदेश होगा और हम सब मिलकर वापस एक अच्छा जीवन यापन वापस पुनः कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बस यही मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं बंसल न्यूज़ के माध्यम से। बिल्कुल प्रिंस राठौर जी, यदि आप जैसे युवा नेता अभी भी हैं, आप जैसे समाज सेवी हैं, तो शायद लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीहोर की बानगी हम आपके ज़रिए देख भी रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। सिटी स्कैन का खर्चा जो कि आम इंसान नहीं उठा पाता है उसकी आप मदद कर रहे हैं, बहुत नेक काम आपकी तरफ से किया जा रहा है। सर क्योंकि आप युवा नेता हैं और शायद आपकी समिति में जो लोग जुड़े हैं वो भी लगभग युवा ही हैं, तो आप युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं इस वक्त महामारी के दौर में?
मैडम युवाओं की भूमिका ही सब कुछ है इस देश में। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने उनकी युवा अवस्था में ही जो बड़े कार्य किए और जो ऐसे कार्य किए जो आज भी हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी अभी सबसे ज्यादा है। हम किसी भी तरह के किसी पर आश्रित ना हो, हम आप अब खुद खड़े हों, हमें खुद लोगों की मदद करना है। हम लोगों की मदद करें और मदद कर देखें, इतना अच्छा सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको इसका वर्णन नहीं कर सकता। और हम ये इंतजार ना करें कि सरकार क्या करेगी, ये वो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है। हम खुद उठें, सबसे पहले हम हमारे मदद के हाथ बढ़ाएं, हम बढ़ेंगे तो हमारा शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिंस राठौड़ जी आपने कही है कि हमें हर काम के लिए केवल सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है। सरकार हालांकि अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रिंस राठौड़ जी, आप क्या संदेश बंसल न्यूज़ के जरिए सभी युवाओं को देना चाहते हैं और तमाम सदस्यों को? मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से एक ही संदेश पूरे शहर के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवाओं को देना चाहता हूँ कि महामारी का दौर है। मैं सभी से निवेदन हाथ जोड़कर करता हूं, सभी युवाओं से मेरा एक विनम्र निवेदन और अपील है कि यथासंभव मदद हम गरीब बस्तियों में जाएं, लोगों को देखें और उनकी मदद करें। लोग अगर परेशानी में हों तो उनकी परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करें। और सरकार बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है वो अलग चीज़ है, और हमें भी हमारे मदद के हाथ हमें बढ़ाना है और अधिक से अधिक हम ऐसे लोगों के पास पहुँचें जो परेशान हैं इस महामारी को लेकर और उनकी मदद करें। बस मेरा ये निवेदन है। जैसे हमारे शहर में एक वरिष्ठ समाज सेवी हमारे अखिलेश राय जी, वह भी निरंतर 2400 घंटे, मैं देखता हूँ कि वो भी 2400 घंटे लोगों की मदद करते हैं और लोगों के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। उन्हीं से ऐसी प्रेरणा से सारे युवा शहर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और मेरे लायक अगर कोई भी काम हो शहर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को, तो मुझे फ़ोन करें, मुझसे आके संपर्क करें और लोगों की मदद करें। इस कोरोना महामारी का समय टल जाएगा, इसके बाद वापस समृद्ध मध्य प्रदेश और वापस समृद्ध सीहोर हमारा बनाना है और लोगों को हमें साथ मिलकर इस कोरोना को हराना है। सरकार की पूरी गाइडलाइन का हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, मास्क भी लगाएं। मैं अभी चूंकि घर पर हूं इसलिए मैं मास्क नहीं पहना हुआ हूं, नहीं तो मैं भी जब भी घर से अगर निकलता हूं तो मास्क पहनता ही हूं। अनावश्यक कारणों से घर से बाहर भी ना निकले, ये मेरा निवेदन। बिल्कुल, एकजुट रहेंगे तभी इस महामारी से लड़ा जा सकता है और यही संदेश प्रिंस राठौड़ जी दे रहे हैं। प्रिंस राठौड़ जी, बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए, और बंसल न्यूज़ की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सर, जो आप काम कर रहे हैं इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और लोगों की ढेरों दुआएं आपको मिलती रहेंगी, और ऐसे ही लोग अगर मौजूद हैं तो इस महामारी से भी हम लड़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। प्रिंस राठौड़ जी समाज सेवी से हम बात कर रहे थे। सिटी स्कैन का खर्च उठाने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथों में ली है और हर गरीब हर जरूरतमंद तक इनकी समिति पहुंच रही है, लोगों की मदद इस